बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। कटिहार में दबंग व्यक्ति ने महिला के दोनों आंख फोड़ डाले। पाट खेत में ले जाकर मुंह में पटवा का पत्ता डालकर पहले मुंह को बंद कर दिया और फिर आंख में पटवा के संटी यानी कि काठी डालकर दोनों आंख फोड़ दिए। अहमदाबाद थाना क्षेत्र के डाकला इंग्लिश गांव की इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रेखा देवी के पति सुभाष चौधरी मजदूरी के लिए दिल्ली में हैं। इसी दौरान बीते देर रात गांव के ही युवक समीम इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़िता की बेटी घटना के प्रत्यक्षदर्शी है। वहीं परिजन घटना के कारणों पर कुछ भी समझ नहीं पा रही है। कुछ लोग इस मामले को दुष्कर्म करने की कोशिश से भी जोड़कर देख रहे हैं। पति दिल्ली में बा। क्या नाम है महिला? सुभाष। पति का नाम, महिला का नाम क्या है? जो आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी है रेखा देवी। कहाँ रहती थी? बांध पर। कौन थाना में? थाना में नहीं। कहाँ कहाँ रहते हैं? घर कहाँ? डकरा, इंग्लिश डकरा बोलता है बांध पर। ये लोग रहे, कुछ जानकारी मिल सकती है? बहुत आदमी बात है, बहुत आदमी जो देख ले बात हो। हम तो इतना सुनने पाई नहीं तो इतने बोल रहे। घटना का अंजाम कितना आदमी दिया? एक आदमी की, दो आदमी? एक ही आदमी की बात। क्या नाम है? होना मगर भूल जाते नहीं, बचा जाना था। हम तो बस्ती में रहते नहीं, बांध पर रहते तो बचे नहीं जानी। ए, समीम के सुद्दीन के बेटा, सुद्दीन के बेटा ये गो रहे पटवा में ले जाके मैंने घर में सुतल रही जाना तो बांध पर से नहीं नहीं करते जा तो बस ना पटवा उठा से पूरा अथी बहन दिल बहन के बस पटवा के मिठी पत्ता तुर तुर के मुँह में ठूस दिल ठूस के माई माई करते ना तो बस हल्ला कर दिली बस बहन के भाग गई एकदम भाग गई। कैसे पूरा इथी से इथी पटवा के साथ क्या जानकारी मिला? जानकारी मिला कि हम लोग घर में सोए हुए थे, ये लोग का घर बांध में, तो मेरा बड़ी मम्मी आई मेरा घर में बुलाने के लिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो हम आए रात में, हम लोग 10 आदमी आए। आने के बाद देखे ये रोड पर पूरा आँख से खून जा रहा था। उसको देखने के बाद बोले कि अहमदाबाद लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से इलाज हुआ। इलाज होने के बाद रेफर हो गया कटिहार। कटिहार सदर अस्पताल में गए, सदर अस्पताल से फिर सिरसा मेडिकल में इधर रेफर हो गया। और बाकी इसका जानकारी इससे आगे कुछ नहीं जानते। कौन था जानकारी क्या मिली? जानकारी सर हमको नहीं मिला जानकारी, तो वही तो हमको रात में आए और हम लोग पूरा अहमदाबाद लेकर पहले गए, अहमदाबाद से फिर इधर आए। कोई क्या बताई कौन था लोग? दीदी से तो बात बोल नहीं पा रही अच्छा से फरेश से। चाची क्या बताई कौन था वो? काती बोल रहे हैं। चाची को भी जानकारी नहीं है कन्फर्म, वही बयान दे रही है। हम नहीं जानते। हम साथ में ऐसे मेरा बड़ी मम्मी का बेटी है इसीलिए आए हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।